हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? सब मजे में है, राजी बाजी है। काफी देर से, कुछ मंथ्स हो गए हैं, मैंने वीडियो नहीं डाली थी यूट्यूब पे। तो मैंने कहा कि यार आज एक व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग बना के डालते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने लास्ट ट्रैवल जो, अच्छा वीडियोज मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने अभी पिछले कितने, लास्ट ट्रैवल मैंने किया था मई में, तो पाकिस्तान जब ट्रैवल किया था तो मई में तो किया ही था, जून जुलाई और अगस्त। अभी अगस्त का 30th है, तो लाइक 3 महीने हो गया मैंने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया, तो इसीलिए कोई वीडियो कोई खास जो है वो मैं बना नहीं सका। तो आज मैं अभी बाहर निकला था तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना के तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा ना हो गया आप मुझे भूल छूल जाएँ। तो मैं अभी बाहर निकला हुआ हूँ, मैं हूँ यहाँ पर एक गैस स्टेशन पे दुबई में। मैं एक मिनट भी बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। और कहानी ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है जो कि कंट्री छोड़ के, दुबई छोड़ के चला गया, उसकी गाड़ी यहाँ पर है, उसकी गाड़ी जो है वो सेल करनी है तुमने। तो अब जस्ट टू हेल्प अ फ्रेंड यू नो, मैं गाड़ी वो सेल करूँगा। मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ कौन सी है। वो गाड़ी अभी आ रही है, कहीं और पे पार्क थी वो गाड़ी। यहाँ से मुझे वॉश करवानी है और वॉश करवा के एक पासिंग होती है यहाँ पर कि उससे पता चलता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, वो सब ठीक ठाक है। तो गाड़ी में पास करवाऊँगा और उसके बाद जो है मैं उसको अपने घर पार्किंग में लगा दूँगा, और पार्किंग में लगा के उसके बाद उसको ऑनलाइन ऐड लगाऊँगा और वहाँ से फिर गाड़ी को सेल करूँगा। गाड़ी अभी तक आ ही रही है, वो बंदा जो है रिकवरी वाला, उसने कितनी देर पहले, आधे घंटे पहले कॉल की थी कि बस वो पहुँच रहा है 10 मिनट में, लेकिन पहुँचा तो नहीं अभी तक। और ये जो पीछे है ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, काफ़ी गंदी हुई हुई है और इसको भी धुलवाने वाली है। ये गैस स्टेशन है जहाँ पर मैंने उसको रिकवरी वाले को बुलाया है। 10 मिनट का बोला था यार, 30-40 मिनट हो गए अभी तक वो आया नहीं है। और अगर आप इस गैस स्टेशन पर देखो तो ये पीछे जो है, अगर आपको नज़र आ रहा है, कार वॉश भी है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, वो जो है पीछे जो है वो कार वॉश भी है। ठीक है, वहाँ से कार वॉश करवाऊँगा और यहीं से अगर पेट्रोल देख लूँगा, अगर कम है तो पेट्रोल भी डलवा लूँगा। तो जी फाइनली ये गाड़ी आ गई है। तो अब इस गाड़ी को करवा के इसको कार वॉश करवाता हूँ। अच्छा जी, तो ये गाड़ी है डॉज चैलेंजर। और ये ड्राइवर है और ये अब गाड़ी उतारते हैं। यार लाला एडी देर, मैं क्या, मैं घर वापस चले जावा फिर 10 मिनट तक कह के 40 मिनट लाए ना तुझे, फिर तो फोन भी नहीं चुक रही। वाले सलाम ले लो, लाइए हूँ गड्डी। अच्छा चलो लाइए फिर गड्डी यार फटाफट। ठीक है, जाके मैं स्टार्ट करके पीछे लवा, पहले कर लो थले फिर पहले। Oh, oh, oh.
गर्मी बाहर बहुत तुनके है, यहाँ से गाड़ी अब मैंने वॉश करवानी है, वॉशिंग के लिए जो है मैं इधर लाइन में लग गया हूँ। और ये देखो, ये वॉशिंग के लिए लाइन में लग गया हूँ मैं। ये एक गाड़ी है, इसके आगे एक और गाड़ी है, दो गाड़ियों के बाद बारी है। और गाड़ी का एसी मैंने अभी चलाया है उसको स्टार्ट करके, वरना गाड़ी अंदर से बहुत गर्म थी। आई मीन बाहर 40 से 45 डिग्रीज है और फील्स लाइक 48 डिग्री, विच मीन्स के लाइक 48 डिग्रीज तक इस टाइम पे यहाँ पे मौसम है। तो लाइक फील्स लाइक 48, और वैसे बात की ऐप आपको 42-43 डिग्रीज तक दिखाती है। तो बाकी यहाँ से वॉश करवा के तो फिर मैं इसको पासिंग के लिए लेके जाऊँगा। रिकवरी वाले को मैंने बोला कि यार ये भी मेरा वेट कर, जैसे ये पास हो जाएगी सॉरी वॉश हो जाएगी तो इसी रिकवरी पे जो है मैं गाड़ी जो है वो ले जाऊँगा, उस पर क्या सब बोलते हैं पासिंग के लिए ले जाऊँगा। जो है ना वो बहुत तुन गया है। ये रिकवरी वाला भाई है, क्या नाम है उनका? जैन है। जैन साहब ने मैं क्या कि यार आप रिकवरी में जो है वो इसी नहीं चलना देते दे आगे बैठिए, जब तक अगर भी सुनवानी है मैंने तब तक आप इसमें आगे बैठ जाओ, क्योंकि इस में तो बैठ जाओ। जैन साहब क्या टेम्परेचर होगा भाई? 40-45 होगा या 50 तक भी हो सकता है? बिल्कुल। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई ना तो वो उर्दू में बात करने लगा, वैसे पंजाबी में बात कर रहा था। फिर फैसलाबाद गुजरांवाला गुजरात हेलो पंजाबी ने नाल ही ना उर्दू शुरू कर दी कैमरा वेख के, मैं कैमरा स्टार्ट हुआ ना उर्दू बोलने लगा। चलो खैर साहब ना कहानी सुना रहे ने, वो हम कैमरा शाये हो गए हैं, कह रहे थे जब तुम कॉल की थी मैं नाश्ता। जैन क्या कह रहे थे यार आप? चलो मैंने उर्दू में बात की आपके साथ, आप जैन साहब फिर मारे ने कोई बात, कैमरा शाया है वो थोड़ा। वॉश करवाने के लिए वेट करते करते तकरीबन कोई घंटा हो गया। हाँ वेट करते करते घंटा हो गया। अभी इस गाड़ी के बाद बारी आनी है। गाड़ी तो धुल गई है लेकिन तकरीबन मुझे यहाँ पे कुछ 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं। आई मीन हर गाड़ी पे जो है यहाँ पर 30 से 40 मिनट जो है वो गाड़ी को वॉश करने में लगाते हैं। मेरे से आगे 3 गाड़ियाँ थी तो इसका मतलब ये है कि 2.5-1.5 घंटा थोड़ी वहाँ पर लग गया। अब ये पीछे जो है वो हमारी गाड़ी धो रहा है, 30-40 मिनट इस पर लग गए हैं। जी
अब गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली धुल गई है और उसके बाद उन्होंने जो ड्राइव वगैरह करना होता है, अंदर से इंटीरियर साफ़ करना होता है, सारा कर दिया। अब यहाँ से जो है मैं जाऊँगा पासिंग सेंटर गाड़ी को पास करवाने के लिए। टाइम जो है एक मिनट, टाइम जो है उस टाइम पे ऑलरेडी 5:40 हो गए हैं। तो मुझे था कि सनसेट से पहले मैं तस्वीरें गाड़ी की ले लूँगा उसको लिस्ट करने के लिए, लेकिन चलो अब देखता हूँ क्या हो सकता है। गाड़ी जो है अंदर से भी बिल्कुल जबरदस्ती साफ कर दिया उन्होंने। चलो मैं फोन करूँगा, अब जो है इसको पासिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। और बड़ा टाइम लग गया यार, हर चीज़ में बहुत टाइम लगता गया। और अभी जो है वो 6:15 का टाइम हो गया। मेरा प्लान ये था कि मैं गाड़ी जो है ना वो करवा के, वॉश करवा के, उसके बाद पासिंग करवा के, और उसके बाद जो है ना इसकी फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस आज ही ले लूँगा, ताकि जब इसको मैं बेचने के लिए ऐड लगाऊंगा तो वो वीडियोस और फ़ोटोज़ मैं यूज़ कर सकूँगा। बाकी चलो अब तो, क्योंकि बाय द टाइम ये पासिंग के लिए पहुँचेगी और पासिंग होगी तब तक तो वैसे ही अंधेरा हो जाना, तो मैं करवा नहीं सकूँगा, तो सीधे वगैरह उसके ले नहीं सकूँगा। चलो कल का प्लान कर लेंगे। ये गाड़ी आ गई है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई, मेरे ख्याल से कुछ घंटा लेट तो लग ही जाएगा जितनी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं लाइन में। तो बाकी लेट्स सी, बस पास हो जाइए ना, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकला है। अच्छा जी, तो अभी मैं घर आया हूँ, मतलब कि गाड़ी की पासिंग करवा के। पासिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसके जो पीछे ग्रिल लगी हुई है ना, मैं आपको ग्रिल्स दिखाता हूँ, ये वाली ग्रिल्स जो हैं इनको उन्होंने बोला कि भाई पहले उतारो फिर गाड़ी पास करेंगे। एनीवेज ग्रिल्स मैंने उतारी बड़ी मुश्किल से, फिर गाड़ी पास हो गई आरटीए से। और फिर अभी आके मैंने शावर लिया और मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ। अभी टाइम देखो आपके सामने क्या टाइम हो गया, 9:30 हो गए रात के, तो 9:30 बज गए हैं। तो एनीवेज ये आज का सारा जर्नी था। फ़ोटोज़ मैंने लेनी थी, फ़ोटोज़ मैं नहीं ले सका। कुछ फ़ोटोज़ मैंने ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने ली थी। और वहाँ पर गैस स्टेशन पे जो कल दोबारा फ़ोटोज़ इसके लेनी पड़ेंगी, तो कल मैं दोबारा फ़ोटोज़ लूँगा।